पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मां नर्मदा का 151 लीटर दूध से महाभिषेक भी किया गया। वहीं छोटे सरकार के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा युवा संगठन और श्री जी मंदिर संस्थान द्वारा 25 जनवरी से मां नर्मदा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को चुनरी अर्पित की। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन पूजन पाठ के अलावा शाम 7 बजे शुद्ध घी से बने हलवे का प्रसाद भी वितरण किया गया। मुख्य दिवस 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 151 लीटर दूध से मां नर्मदा का दूध अभिषेक भी किया गया। नर्मदा जयंती पर विगत 12 वर्षों से छोटे सरकार के हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे आरती के समय दादा दरबार खेड़ी घाट से ओंकारेश्वर तक पुष्प वर्षा की जाती है। दोपहर 12 से 3 बजे तक जेपी चौक पर पूरी सब्जी और लड्डू का भंडारा आयोजित किया गया। वहीं शाम 4 बजे जेपी चौक से शोभा यात्रा नगर में निकाली जाएगी। शाम 7:30 बजे मां नर्मदा की महाकाकड़ा आरती के साथ ही नर्मदा के मुख्य घाटों पर आरती होगी। साथ ही नर्मदा नदी में 1.25 लाख दीप दान किए जाएंगे। इधर श्री जी मंदिर संस्थान की ओर से कोटी तीर्थ घाट पर मां नर्मदा जन्मोत्सव के सभी धार्मिक आयोजन मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह के सानिध्य में पंडित पुजारी द्वारा संपन्न किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में वर्ष 1919 से जय मां नर्मदा युवा संगठन द्वारा नर्मदा के तट पर दीपदान के साथ ओंकार पर्वत पर महाकांकड़ा आरती का आयोजन किया जा रहा है। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पहुंचेंगे। संपूर्ण प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा तीर्थ नगरी में होता है।